और हो गई हमारी प्लेट तैयार, गर्मा गर्म खाओ और अपने परिवार को खिलाओ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं गीता की रसोई से झटपट बनाएंगे सांभर। दाल को हमने नमक, थोड़ी सी हींग और इमली डाल के उबलने रख दिया है। और यहाँ हम साथ में तड़का लगाएंगे, जिसमें हमने बैंगन लिए हैं, प्याज, टमाटर और ली है मूली। ये सबको साथ में मिक्स करके रफली चॉप कर लिया है। साथ में डाला है कड़ी पत्ता। तेल को गरम कर दिया है, डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी काली राई, सूखी लाल मिर्ची और ये सब डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। सब सब्जियों को अच्छे से 5 से 7 मिनट हम भूनेंगे। मूली का सीजन है तो आप इस सांभर में मूली जरूर डालिए। मूली का टेस्ट सांभर में बहुत ही अच्छा आता है। अब 5 मिनट इसको हो गए हैं। अब हम लेंगे मसाले, जिसमें लेंगे हम लाल मिर्च, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और धनिया पाउडर। सारे मसाले हम इसमें मिला देंगे। सब मसाले मसालों को हमने एक साथ मिला लिया है। देखो कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम इसको ढक के सिम करके 5 मिनट और पकाएंगे। तो 5 मिनट हमारे हो गए हैं। देखो हमारा मसाला तड़का कितना अच्छे से तैयार हुआ है। इसको इससे ज़्यादा नहीं हमने पकाना है, क्योंकि इसको दाल में भी डाल के हम थोड़ा पकाएंगे। इसको हम गैस को कर देते हैं बंद। इधर हमारी दाल भी उबल गई है, स्टीम निकलने का वेट करते हैं। सॉरी, बीच में बनाना भूल गई थी। दाल हमारी हो गई थी और उसमें हमने तड़का मिला लिया है। अब हम इसको पानी डाल के थोड़ा और उबाल लेंगे। इसको पानी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से उबलने रख देंगे। 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से उबलने देंगे। घर में आ गए हैं गेस्ट, तो सांभर को जल्दी तैयार करने के लिए हमने एक विसिल दे दिए और झटपट हमारी विसिल आ जाएगी और सांभर तैयार। साथ में कर लेते हैं इडली की तैयारी। झटपट इडली तैयार हो जाएगी। इडली स्टैंड में पानी हमने गर्म होने रखा है। बैटर लगाने से पहले सबको थोड़ा थोड़ा तेल से ग्रीस कर लेंगे, फिर बैटर डालेंगे, जिससे हमारी इडली आराम से निकल जाएगी। इडली बनाने के लिए सब कटोरियों में हमने बैटर भर दिया है। अब हम इडली बनने के लिए रख देते हैं। इसको 10 से 15 मिनट कर हम रखेंगे और इडली हमारी तैयार हो जाएगी। ढक्कन हमने रख दिया है, अब 15 मिनट की वेट करते हैं। तो दोस्तों देखो, हो गया है हमारा सांभर अच्छे से तैयार। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब इस इडली बन जाए, फिर हम आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाएंगे। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, हम इडली चेक कर लेते हैं। चाकू लेके इसे देखो, बिल्कुल साफ निकली है। तो हमारी इडली तैयार है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। इसको तुरंत नहीं निकालेंगे, तो 5 मिनट ठंडा होने देंगे। अपने सांभर को हमने सिम पे उबलने के लिए रखा हुआ है। जितना ये सिम पे धीमे ताप पे उबलता रहेगा, इसका टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है।
इडली हमने निकाल ली है, देखो कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अब हम करके दिखाते हैं इसकी प्लेटिंग। डालेंगे इसमें गर्मा गर्म सांबर और हो गई हमारी प्लेट तैयार। गर्मा गर्म खाओ और अपने परिवार को खिलाओ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।